इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो सबसे इजी जो चैप्टर होता है वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट होता है आइगन वैल्यू, ठीक है। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करे हैं इस वीडियो में, ठीक है। आप चाहें तो इसके नोट्स जो हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी होगी ए, और पूछा जाए कि उसका आपको क्या फाइंड करना है आइगन वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को माइनस करेंगे। मैट्रिक्स ए सपोज हमें दे रखी है 0 1 1 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे लैम्डा इंटू आई, आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी, ठीक है। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 0 1 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। फिर इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया ए माइनस लैम्डा आई, क्या आया माइनस लैम्डा 1 1 और 2 माइनस लैम्डा। फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू के फॉर्म में आएगा, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी और उसको इक्वल्स टू में 0 रखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही क्या होगी हमारी आइगन वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और उसकी हमको आइगन वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो क्या होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमें कोई गिवन हो, ठीक है, तो अगर हम उसके आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मतलब उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसका हम सम करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी, वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर ए एम की जगह 2 रख रही हूँ मैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर, मतलब अगर इधर 2 दे रखी होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, ऑलवेज रियल, ठीक है। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी हमको आइगन वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमेशा रियल आएगी। उसी तरीके से आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज इधर 0 और प्योर इमेजिनरी, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और उसकी हमको आइगन वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमेशा 0 या फिर प्योर इमेजिनरी आएगी, ठीक है। उसी तरीके से जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसकी अगर आइगन वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो हमेशा क्या आएगी रियल आएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मैं और आपको पॉइंट्स और फॉर्मूला डिस्कस करूंगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच।